Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. Today we are going to start chapter number 5 of our book Flamingo. The name of the chapter is Indigo. Learners, let's read something about the author before starting the chapter. Thoda sa author ke baare mein jaan lete hain. This chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher, he was born in 1896 and he died in 1970. He was born in Philadelphia and he served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and the European and Asian publications. He was also a member of the faculty in Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. जो ये chapter है, उनकी जो एक book है, The Life of Mahatma Gandhi, उससे brief excerpt क्या होता है? Brief, you can say part, उसमें से लिया गया है. तो एक तरह से जो ये chapter है, The Life of, ये जो chapter Indigo है, ये महात्मा गांधी की जो biography जो कि लुईस फिशर ने लिखी है, जिसका नाम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, उससे लिया गया है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स ऑफ एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो द टाइम्स ऑफ एजुकेशनल सप्लीमेंट है, उस बुक में इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक बोला गया है जिसमें गांधी जी के बारे में लिखा गया है. क्योंकि देर आर सो मैनी ऑथर्स जिन्होंने कि गांधी जी के बारे में लिखा है, उनकी बायोग्राफी लिखी है, लेकिन जो लुईस फिशर ने बायोग्राफी लिखी है गांधी जी की, दैट इज़ द बेस्ट वन. लर्नर्स, इंडिगो मोमेंट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रहा है इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, तो उस टाइम गांधी जी बड़े ही यू कैन सी वॉज नॉट वेल नोन टू द पब्लिक. लोगों को उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था. आप ये कह सकते हैं कि जो ये इंडिगो मूवमेंट है, इसने गांधी जी को इंडिया में बड़ा ही फेमस कर दिया था. इसकी वजह से वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी बन पाए इंडिया में. तो देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ अपने इस चैप्टर में, रिटन बाई लुईस फिशर इन द चैप्टर इंडिगो. चलिए चैप्टर रीड करते हैं. When I first visited Gandhi in 1942, when I कौन है यहाँ पर, I is the author Louis Fisher, कि Louis Fisher 1942 में गांधी जी से मिले थे. कहाँ पर? At his आश्रम in सेवाग्राम, गांधी जी के आश्रम में, सेवाग्राम में, in central India. He said, और गांधी जी कहते, he किसके लिए यूज हुआ है? गांधी जी के लिए. I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो गांधी जी अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट करके लुईस फिशर को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, जब मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ देना चाहिए. और ये कौन से ईयर की घटना है? ये है 1917 की. 1917 में ऐसा हुआ. देखते क्या हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए. क्या इंसिडेंट था? देखिए जो वर्ड्स इन्वर्टेड कोमाज में लिखे हुए, जो ये लाइन है यहाँ तक, तो दीज आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गांधी जी. ये गांधी जी के डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कोमाज में है. आगे क्या होता है? ही हैड गॉन टू द डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. कि उस समय गांधी जी ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कन्वेंशन थी, अधिवेशन था, कन्वेंशन मीन्स जो अधिवेशन था, उसको अटेंड करने के लिए लखनऊ गए हुए थे. और कौन सा टाइम था? इट वाज दिसंबर 1916. कहाँ पे हो रही थी कन्वेंशन? कन्वेंशन क्या होता है? मीटिंग और अधिवेशन जिसको कहते हैं. और ये हो रहा था लखनऊ में. There were 2,301 delegates. Delegates क्या होता है? Officials and many visitors. तो इस पार्टी में, इस कन्वेंशन में 2,301 delegates थे
और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड। तो जैसे ही ये मीटिंग चल रही थी तो गांधी जी रिकलेक्ट करके बताते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेशिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी बता रहे हैं, जब मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने देखा कि एक पीजेंट ही केम टू गांधी जी, और वो कैसे दिख रहा था, जस्ट लाइक एनी पीजेंट इन इंडिया, कि उस टाइम में भारत में जो किसान थे वो जैसा कोई भी किसान दिखता है वैसा ही एक किसान दिख रहा था। और उस टाइम किसान कैसे दिखते थे इंडिया में, पुअर एंड इमेसिएटेड, कि पुअर आप कैसे पहचानोगे, उनके ड्रेसिंग सेंस से, एंड इमेसिएटेड मीन्स एक्सट्रीमली थिन एंड वीक, बड़ा ही पतला दुबला किसान था। और वो गांधी जी के पास आए और क्या बोले, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण। और उन्होंने अपना प्लेस ऑफ लिविंग बताया कि मैं कहाँ से हूँ, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और मैं किस लिए आया हूँ, कि मैं तुम्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाना चाहता हूँ, कि यू शुड विजिट माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने अब तक इस प्लेस का नाम कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और चंपारण कहाँ पे है, इट वॉज इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स मीन्स जैसे कि उसके हिल्स के बेस में, ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, टॉवरिंग मीन्स वेरी टॉल, वेरी हाई हिमालयाज, वेरी यू कैन से इतने ऊंचे हिमालय के फुट्स, यू कैन से फुट हिल्स में था। और कहाँ पे था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास में था ये। राजकुमार शुक्ला एक बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं इंडिगो मूवमेंट में। देखिए, जैसे ही हम राजकुमार शुक्ला के नाम से गूगल करते हैं, हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके जो काम है उनका, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम से एक पोस्टल टिकट भी जारी किया है। दिस इज ऑल अबाउट राजकुमार शुक्ला, आप देख सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला का जो रोल है इंडिगो मूवमेंट में, चंपारण मूवमेंट में, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और उसी से उनके काम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डाक टिकट उनके नाम से जारी किया है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंस वर शेयर क्रॉपर्स। तो अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट मीन्स जो पुराना एक अरेंजमेंट था, सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग जो चंपारण के पीजेंट्स थे देवर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला क्या थे, इलिटरेट थे और डिटर्मिंड थे। रेजोल्यूट मीन्स क्या होता है, जिसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला चाहे इलिटरेट थे बट ही वॉज वेरी डिटर्मिंड, कि मतलब अपने वादे के दृढ़ निश्चय, आप जिसको कह सकते हैं वादे के पक्के थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। तो वो यहाँ किस लिए आए थे, जब ये उस टाइम गांधी जी से मिलने, तो ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, जो ये लखनऊ में कांग्रेस सेशन चल रहा था वहाँ पे इसलिए आए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के रिगार्डिंग कंप्लेन करने के लिए, जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम से जो अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए गांधी जी के पास आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनसे कहा था कि गांधी जी से बात करो, इसलिए वे गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये देखिए, कानपुर की स्पेलिंग पहले थोड़ी डिफरेंट लिखी जाती थी, जो आजकल स्पेलिंग लिखी जाती है दैट इज डिफरेंट, दिस इज CAWNPORE। तो दिस इज द ओल्ड स्पेलिंग ऑफ कानपुर। तो गांधी जी ने बोला, बताया कि शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि गांधी जी की कई जगह कानपुर में अपॉइंटमेंट्स थी और उसके बाद उन्हें कंट्री के कई डिफरेंट पार्ट्स में भी जाना था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो गांधी जी जहाँ जहाँ गए शुक्ला जी उनका अकम्पनी करते रहे, उनके पीछे वहीं पर जाते रहे।
देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद जैसे ही गांधी जी की ये ट्रिप पूरी हो गई, गांधी जी अपने आश्रम में आ गए अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, और शुक्ला भी उनके साथ साथ आश्रम में पहुंच के। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई वीक्स तक वो गांधी के साथ ही रहे। गांधी जी के जहाँ जहाँ गांधी जी जाते उनके साथ ही रहे। फिक्स अ डेट ही बैग, और फाइनली उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि एक डेट फिक्स कर दो, इस चीज़ के लिए डेट फिक्स कर लो कि चंपारण आने के लिए कोई डेट फिक्स करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी जो इस शेयर क्रॉपर की क्या थी, टिनेसिटी, टिनेसिटी क्या होती है, डिटर्मिनेशन, जो उनका डिटर्मिनेशन था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मुझे उस फलाह तारीख को कैलकटा में जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि वहाँ आके मुझे मिलो और वहाँ से मुझे अपने चंपारण ले जाना। तो गांधी जी भी उसकी जो डिटर्मिनेशन था ना, क्या डिटर्मिनेशन है यहाँ पे देखिए, शुक्ला यहाँ पे गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए आए हैं, और जहाँ भी गांधी जी जा रहे हैं वो उनको अकंपनी कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। और फाइनली उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि एक डेट फिक्स करो जब आप वहाँ आएंगे। तो गांधी जी ने बताया कि मैं फला फला डेट को कैलकटा आऊँगा, क्योंकि कैलकटा और बिहार पास पास है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुझे मिलना और वहाँ से मैं आपके साथ चलूँगा। तो अब हम देख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा है, कि उन्होंने जो ठानी है ना उसको फाइनली करवा के ही मानता है। दैट्स वाई ही सेट टू बी रेजोल्यूट डिटर्मिनेट, हिज मीन्स हिज डिटर्मिनेशन इज वेरी स्ट्रोंग, हिज वेरी रेजोल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गांधी जी कहते हैं, मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा। देखिए कैलकटा जिसको हम आजकल कोलकाता बोलते हैं, पहले इसको कैलकटा बोलते थे, ठीक है। तो उस बात को जिस पे शुक्ला ने गांधी जी से डेट फिक्स करने की बात की थी, उसको कई महीनों बाद की बात है, कई महीने गुजर चुके थे। और जब गांधी जी कैलकटा पहुंचे तो ही फाउंड शुक्ला सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। सिटिंग ऑन द हॉन्चेस मीन्स उकड़ू बैठना, मीन्स ही वॉज सिटिंग ऑन हिज नीज एट द अपॉइंटेड स्पॉट, कि जहाँ गांधी जी ने मिलने को बोला था वहाँ उनका बड़ी बेसब्री से घुटनों के बल बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उन्होंने ये नहीं जाते गांधी जी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, वो उनकी वेट करते रहे जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। तो ये भी एक उनका एक मीन्स रेजोल्यूट होने का एक एग्जाम्पल है। तो जब गांधी जी फ्री हुए तब क्या होता है, देन द टू ऑफ देम बोर्डिड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना। टू ऑफ देम मीन्स टू, कौन कौन है, एक गांधी और दूसरे शुक्ला, कि दोनों दे बोर्डिड ए ट्रेन। बोर्डिंग द ट्रेन क्या होता है, ट्रेन चढ़ के ट्रेन में, ट्रेन के द्वारा दे वेंट टू द सिटी ऑफ पटना, वो पटना के लिए रवाना हुए इन बिहार। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, और बिहार में शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, जो कि एक लॉयर थे एंड लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और जो राजेंद्र प्रसाद थे बाद में कौन बने, वो कांग्रेस पार्टी के प्रेजिडेंट, और इंडिपेंडेंस के बाद ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और जब गांधी और शुक्ला वहाँ उनके घर पहुँचे तो राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन। योमैन क्या होता है, फार्मर। तो जो राजकुमार राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स हैं, उन्होंने सोचा कि ये शुक्ला जो कि एक पुअर किसान है, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर्ड मतलब डिस्टर्ब करना, परेशान करना, जो कि उनके मालिक को परेशान करता रहता है, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और किस बात को लेके परेशान करता है, कि उनको शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी चाहिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की। सो
दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन. तो उन्होंने उनको ग्राउंड पर ही बैठने दिया, मीन्स बैठने के लिए कुछ चारपाई या कुर्सी वगैरह भी ऑफर नहीं की. गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट. और उन्होंने क्या सोचा कि जो गांधी उनके साथ आए हैं वो दूसरे ही एक किसान है, उनके जैसे एक दूसरे किसान है. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर. अच्छा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि गांधी को उन्होंने दूसरा किसान क्यों सोचा? क्योंकि गांधी का जो लिबास है, आपने देखा ही होगा, एक सिंपल धोती पहनते थे, तो उसको देख के, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी थिन, और बाकी किसानों की तरह ही वो काफ़ी पतले थे. तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि एक दूसरा पीजेंट ही है. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स. देखिए, उस टाइम इंडिया में कितनी ज़्यादा इनटचेबिलिटी थी कि गांधी को पानी भी, मीन्स कुएं से पानी भी खींचने के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बकेट से कुछ ड्रॉप्स कुएं में गिर गई तो पूरे का पूरा जो सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो कुआ है, वो पल्यूट हो जाएगा, वो अछूत हो जाएगा. तो उस टाइम कितनी छुआछूत इंडिया में थी, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? वो इस बात का अंदाज़ा भी कैसे लगाए कि गांधी एक अनटचेबल नहीं थे? यानी कि उनका जो पहनावा है, उनकी जो अपियरेंस है, वो कैसी लग रही थी? एक अनटचेबल जैसी ही लग रही थी. और किसी ने कुछ बताया नहीं, ना किसी ने पूछा. वो गए किसके साथ है? शुक्ला के साथ, जो कि एक फार्मर है. तो उनके साथ वैसा ही बिहेव किया गया जैसे शुक्ला के साथ करते थे. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. अब गांधी जी ने सबसे पहले सोचा कि मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए. किस लिए? विच वॉज एन रूट टू चंपारण. कहाँ पे था? ऑन द वे टू चंपारण, कि जो कि रास्ते में पड़ता था चंपारण के. किस लिए? टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. कि जो चंपारण के जो कंडीशन है यहाँ के जो फार्मर्स की, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जितनी कि शुक्ला उनको दे सकता था, उससे ज़्यादा डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने की सोची. ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी. और इसी के संदर्भ में, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा. जे बी कृपलानी कौन थे? ही वॉज ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. ही वॉज वर्किंग इन आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, हुम ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल. और गांधी जी उनसे कहाँ मिले थे? एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल. द ट्रेन अराइव एट मिड नाइट 15 अप्रैल 1917. और मुजफ्फरपुर में ट्रेन कब आती है? 15 अप्रैल 1917 की मिड नाइट को, रात को मिड नाइट में पहुंचती है. क्रिपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और जो क्रिपलानी थे, मिस्टर जे बी क्रिपलानी, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वेट कर रहे थे. काफ़ी नंबर में स्टूडेंट्स थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी. और गांधी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मालकानी के घर में रुके. कितने दिन के लिए? 2 डेज के लिए. अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल. और प्रोफेसर मालकानी कौन थे? एक टीचर थे. कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. अब गांधी जी कहते कि मेरा प्रोफेसर मालकानी के घर में रुकना क्या था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था उन दिनों में. क्या आप समझ सकते हो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों था? देखिए, पढ़ते हैं. गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी. कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो मेरे जैसे आदमी को सपोर्ट करता है, शेल्टर देता है अपने घर में, तो हार्बर के सेंस क्या हुआ कि जो मेरे, मतलब गांधी जी क्या थे, ही वॉज द, यू कैन से, द वन हु वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और उनको जो सपोर्ट करता है, जो उनको एक आश्रय दे रहा था, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था. तो देखिए, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉल लोकेलिटीज, द
इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि गांधी जी क्या थे, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ होम रूल, कि होम रूल जो आंदोलन हुआ था, होम रूल मूवमेंट हुआ था, गांधी जी उसको फॉलो करते थे, उसके एडवोकेट थे, उसके आप कह सकते लीडर थे। और जो मिस्टर मालकानी थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी मूवमेंट में शामिल है उसको शेल्टर दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। तो लर्नर्स आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग किस लिए बोली है, क्योंकि गांधी जी किसके फॉलोवर थे, होम रूल के, और मिस्टर मालकानी ही वॉज ए गवर्नमेंट प्रोफेसर। तो एक गवर्नमेंट प्रोफेसर का गांधी को अपने घर में आश्रय देना, रहने के लिए जगह देना, दैट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन दोज डेज, कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो व्यक्ति है उसको सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसको जॉब से निकाल सकती है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट क्या होता है, अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। जो गांधी जी के आने का जो उद्देश्य था, नेचर ऑफ हिज मिशन, कि उनके आने का क्या मिशन है, ये बड़ी ही जल्दी मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे, चंपारण थे, उनको जैसे ये खबर मिली तो वो अपने पैरों पे या अपने कन्वेंस से, उस टाइम क्या कन्वेंस हो सकते थे, मोस्टली बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी, तो उनसे कहाँ पे आना शुरू हो गए, टू सी देयर चैम्पियन, कि वो गांधी जी को अपना चैम्पियन समझते थे, अपना मसीहा समझते थे, कि उनको देखने के लिए वहाँ पर मुजफ्फरपुर आना स्टार्ट हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, कॉल्ड ऑन मतलब मिले, तो जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वे भी गांधी जी से मिले ताकि वो इस केस को ब्रीफ कर सके। ब्रीफ मतलब गांधी जी को इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, इसके लिए वो भी गांधी जी से मिले। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब क्योंकि जो ये लॉयर्स थे, ये इन्फार्मर्स के जो केसेस थे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते थे, उनके केस लड़ते थे, और वो किस साइज की फीस लेते थे, यानी कितनी फीस इन पीजेंट से लेते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गांधी जी को बताई। गांधी चाइडेड द लॉयर, चाइडेड क्या होता है, स्कोल्डेड, कि गांधी जी ने इन लॉयर्स को स्कोल्ड किया, डांटा, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। किस लिए डांटा, दैट दे वर कलेक्टिंग वेरी बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। एंड ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। और गांधी जी लॉयर्स की बात सुन के इस नतीजे पर पहुंचे कि आई हैव टू कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि कोर्ट में जाने से शायद ही कोई फायदा होता है, मीन्स कोई फायदा नहीं हो रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, कि यहाँ के जो किसान हैं वो इतने ज़्यादा क्रश्ड है, इतने ज़्यादा दबाए गए हैं, इतना ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ है, एंड फियर स्ट्राइकन, और इतने डरे हुए हैं, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसे मामले में लो कोर्ट्स बेकार है, यूजलेस चीज़ है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, तो सबसे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है, कि सबसे पहले डर को, उनको डर से फ्री होना पड़ेगा, मीन्स निडर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केस जीत भी जाते हैं और अगर आप डरे रहते हैं तो उस केस को जीतने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो सबसे पहले उनके मन में फियर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी फ्री फ्रॉम फियर। अब आगे देखते हैं कि जो ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था चंपारण में, लेट्स रीड। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड क्या होती है, जिस धरती पर फसल पैदा की जाती है, दैट लैंड इज कॉल्ड एरेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू लार्ज
इस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंस। तो जो चंपारण में जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो बड़े बड़े इस्टेट्स में डिवाइड थी, यानी कि बड़े बड़े जो फील्ड्स थे उनमें डिवाइड कर रखी थी, जिनको क्या बोलते थे, इस्टेट्स बोलते थे। एंड इट वॉज ओन्ड बाई इंग्लिश मैन, और इस्टेट्स के मालिक कौन थे, इंग्लिश मैन, एंड वर्क बाई इंडियन टीनेंट्स, और जो काम करने वाले थे तो वो इंडियन टीनेंट्स थे, इंडियन किसान थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ पे कौन सी कमर्शियल क्रॉप बोई जाती थी, इंडिगो। इंडिगो जिसको आप हिंदी में नील बोलते हैं, जो वाइट क्लॉथ में देने के लिए ब्लू यूज होता है, दैट इज इंडिगो। तो वहाँ की इसको कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि ये इट वॉज वेरी यू कैन से बेनिफिशियल टू ग्रो दिस क्रॉप। लेकिन दिक्कत क्या थी, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 320th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, कि उन्होंने अपने जो टीनेंट्स थे ना, जो इंग्लिश मैन थे, जो ओनर्स थे, उन्होंने कंपेल किया हुआ था कि 320th या 15%, यानी 320th या 15% लैंड पर क्या बोएंगे, इंडिगो बोएंगे। और उसके साथ साथ क्या थी दूसरी कंडीशन, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जितनी भी हार्वेस्ट होगी, जितनी भी फसल होगी, सारी की सारी एज ए रेंट आप जो ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको वापस जमा करा देंगे। यानी कि बोएंगे आप, मेहनत आप करेंगे, जितनी भी पैदावार होगी सब की सब आप ओनर्स को, लैंडलॉर्ड्स को देंगे एज ए रेंट, किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये इस तरह का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये लॉन्ग टर्म का था। जैसे आपने देखा होगा, अभी भी लोग अगर किसी को भाड़े पर ज़मीन बोलने को देते हैं तो वो 1 ईयर का होता है इस तरह से, लेकिन वो जो उस टाइम होता था वो बड़ा ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो अभी अभी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको खबर मिली थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स बड़े क्लेवरली काम कर रहे हैं, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स तो पहले ही चाह रहे थे कि वो इंडिगो ना बोए, क्योंकि इंडिगो बोना बड़ा ही मुश्किल का काम था। तो जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर ली तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि दे विल रिलीज द फार्मर्स फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो इफ दे पे देम कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, हर जाने के भुगतान के तौर पे अगर उनको अमाउंट पे करें। तो दे सेड कि टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, कि जो ये एग्रीमेंट है ना 15% लैंड पे इंडिगो बोने का, उसे फ्री कर देंगे अगर वो हर जाने के तौर पे उनको अमाउंट दे, कुछ जो उन्होंने पेमेंट मांगी है वो उनको दे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम, इर्कसम मीन्स वेरी ट्रबलसम, बड़ा डिफिकल्ट था। दो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम था बड़ा ही दुविधा वाला, बड़ा ही मुसीबत वाला था, बड़ा ही परेशान करने वाला था टू द पीजेंट्स। द मैनी साइंड विलिंगली, तो परेशान तो पीजेंट्स पहले ही थे, तो जैसे ही जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ऑफर दिया तो बहुत सारे पीजेंट्स ने बड़े ही विलिंगली इस जो ऑफर को साइन कर दिया। दोज हु रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मीन्स जिन्होंने इसका विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने अपने केस को लड़ने के लिए लॉयर इंगेज कर ले, लॉयर्स को हायर किया। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, जो ठग वर्ड है दैट इज ऑल्सो यूज इन इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में यूज किया गया है। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, यानी कि गुंडों को हायर कर लिया उन पे प्रेशर बनाने के लिए, उनको डराने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। तो अभी देखिए एक नई चीज़ की डिस्कवरी हुई है, तो ये जो सिंथेटिक इंडिगो पहले जो जर्मनी में बना था, इसकी खबर अब जो इलिटरेट पीजेंट्स थे, अनपढ़ किसान थे, उनको भी पता लग गई। कौन से किसान,
हु हैड साइंड, जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था कि हम कंपनसेशन अमाउंट दे देंगे, एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक. अब उनको पता लगा कि हमें तो पागल बना दिया है ब्रिटिशर्स ने, और वो अपना पैसा मांगने लगे. तो पागल किस वे में बना दिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ये तो श्योर था कि जब मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ गया, जो कि बड़ा ही चीप रहने वाला है, बड़ा सस्ता मिलेगा, जिस पे इतनी मेहनत नहीं होगी, तो जो ये नेचुरल इंडिगो जो खेतों में बो के और इतनी मेहनत से इतना हार्डवर्क के बाद पैदा होता है, जो कॉस्टली भी रहता है, तो इसकी वैल्यू अब इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी नहीं रहने वाली. तो ब्रिटिशर्स ने तो बड़े स्मार्टली, बड़े कनिंगली वर्क किया था, लेकिन जो किसान मान गए थे, जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था, अब वो बड़े चीटेड फील कर रहे थे, एंड नाउ दे वांटेड देयर मनी बैक. अब वो चाहते थे कि जो उन्होंने मनी दे दी है इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से बचने के लिए, उनको लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको अपनी वापस मनी चाहिए थी. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और अभी ऐसे मोमेंट पे गांधी जी चंपारण में पहुंचे. तो एट दिस पॉइंट, विच पॉइंट, जिस पॉइंट में शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स के बीच में ये जो आपस में एक टेंशन का माहौल था, उस समय में गांधी जी चंपारण पहुंचे. ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. तो गांधी जी अब अपना काम स्टार्ट करते किस तरह से, बाई कलेक्टिंग द फैक्ट्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स को कलेक्ट करके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. सो गांधी जी सबसे पहले किससे मिले, द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. तो जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन थे, उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. उन्होंने गांधी जी को आउटसाइडर बोला. गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर. तो गांधी जी ने बोला कि ही इज़ नॉट आउटसाइडर, क्योंकि वो इंडिया के हैं, तो हाउ कैन ही बी आउटसाइडर, रादर ब्रिटिशर्स आर आउटसाइडर. कि एक इंडियन कैसे आउटसाइडर हो सकता है, ब्रिटिशर्स एक्चुअल में आउटसाइडर है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. इसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन मीन्स मिले, मेट. इसके बाद गांधी जी किन से मिले, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर. ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर कहाँ के, ऑफ तिरहुत डिवीजन. तिरहुत एक वहाँ पे जगह का नाम है. तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, जिस डिस्ट्रिक्ट में चंपारण पड़ता है. द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी. बुली मीन्स टू थ्रेट हिम, डराने की, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं. एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विद मीन्स इमीडिएटली टू लीव तिरहुत. तो कमिश्नर गांधी जी को डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें सलाह देते हैं कि वे इमीडिएटली तिरहुत छोड़ के यहाँ से चले जाए. गांधी डिड नॉट लीव. लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं चलते हैं, नहीं जाते हैं. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी. तो अब गांधी उसके बाद कहाँ जाते हैं, मोतिहारी. मोतिहारी क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. अब गांधी जी के साथ काफ़ी सारे लॉयर्स भी जाते हैं. एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट वास्ट मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ ग्रेटेड गांधी. तो वहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी का स्वागत एक बड़ी भीड़ ने किया. ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कॉन्टिन्यूड हीज इन्वेस्टिगेशन. अब गांधी जी ने वहाँ पे एक घर में गए और उसको अपना हेड क्वार्टर बनाया, और वहाँ से इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस मीन्स खोजबीन जारी रखी. ए रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज. तभी गांधी जी को एक रिपोर्ट मिली कि पास के ही एक गांव में एक किसान के साथ मिसबिहेव किया गया. मैलट्रीटेड मीन्स मिसबिहेव्ड. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और उनसे मिलेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. और अगली सुबह गांधी जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस पे, एक एलिफेंट की सवारी करते हुए. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार. वो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे. व्हेन द पुलिस
superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. तो रास्ते में ही जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर था उन्होंने उनको रोक के और कहा कि वो उनके साथ कैरेज में टाउन में चले, शहर वापस चले। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उनके जो ऑर्डर था उनका पालन किया, मीन्स गांधी जी ने उनका ऑर्डर माना और वापस टाउन में आ गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और जैसे ही गांधी अपने घर में पहुंचे, जिस घर से वो एज ए अपना हेडक्वार्टर बना के काम कर रहे थे, तो जो मैसेंजर थे उन्होंने क्या किया, ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, कि उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस उनको दे दिया। उसमें क्या लिखा था, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि गांधी जी चंपारण छोड़ के इमीडिएटली यहाँ से चले जाए। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो गांधी जी ने जो कोर्ट ऑर्डर था उसको रिसीव किया और उसके ऊपर ये लिख के दे दिया कि ये कि वे इस कोर्ट ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, कि वो इस ऑर्डर की अवमानना करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इन कॉन्सिक्वेंस मीन्स इसका रिजल्ट, इसके फल स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में अपियर होने के लिए समन्स मिले। समन्स जो होते हैं कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, समन्स आर कोर्ट ऑर्डर्स। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। तो अब अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में अपियर होना था तो सारी रात वो जागे रहे और क्या किया उन्होंने, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा। उस समय में टेलीग्राम की फैसिलिटी होती थी मैसेज भेजने के लिए, और क्या मैसेज था, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से टेलीग्राम में मैसेज भेजा कि वो बिहार से अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स मतलब कि जिनका थोड़ा रुतबा हो, जिनकी कोई चलती हो, जिनकी वजह से वो उस केस में गांधी जी की हेल्प कर सके। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और गांधी जी ने आश्रम पर अपने जो इंस्ट्रक्शंस भेजी कि क्या करना है उनके एब्सेंस में। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने इस केस की पूरी रिपोर्ट जो ब्रिटिश वायसराय थे उनको भी सेंड की। अब नेक्स्ट डे क्या होता, देखिए, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। तो अब अगली सुबह पूरा मोतिहारी शहर पीजेंट्स से ब्लैक था, यानी कि इतने सारे पीजेंट्स थे, उनके सर इतने ज़्यादा दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा कि पूरा मोतिहारी टाउन ब्लैक विद पीजेंट्स था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई थी। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। इन पीजेंट्स को गांधी जी का जो रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर वो क्यों आए थे, क्योंकि दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना था कि एक महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं वो अथॉरिटीज़, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ मुसीबत में है, यानी कुछ उनकी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ अनबन चल रही है, मुसीबत चल रही है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और स्पॉन्टेनियस मीन्स इमीडिएटली, एट वंस, और एकदम से सारे पीजेंट्स ने, किसानों ने डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। और कितने थे वो, जो कि थाउजेंड्स में थे, और कहाँ पर, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के चारों तरफ उन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी कहते हैं दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, ये उनकी एक डर से छुटकारे की शुरुआत थी, कि अब ये जो उनके इतनी ज़्यादा नंबर में इकट्ठे होना, प्रदर्शन करना कोर्ट के बाहर, एक तरह से उनके डर का दूर होना था। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है ना कि अभी लास्ट पेज पे कि ब्रिटिशर्स के साथ जब अपने पीजेंट्स कोर्ट्स में जा रहे थे, उस बात को लेके गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा था कि ये सब यूजलेस है जब तक फार्मर्स के मन में डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस।
तो अब इतनी ज़्यादा क्राउड को देख के जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो पावरलेस फील कर रहे थे, वो बड़े ही एक तरह से हेल्पलेस हो गए थे विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, क्योंकि वो गांधी के कोऑपरेशन के बगैर कुछ नहीं कर पा रहे थे और बड़े हेल्पलेस फील कर रहे थे। ही हेल्प देम, ही कौन है यहाँ पे? गांधी जी। देम कौन है? ऑफिशियल्स। तो गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हेल्प किया, किसमें? रेगुलेट द क्राउड, ताकि वो किस चीज़ में, कि क्राउड को कंट्रोल करने में गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हेल्प किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और गांधी जी उस समय बड़े ही पोलाइट और फ्रेंडली थे, बड़े ही नम्र और मित्रता का व्यवहार कर रहे थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटो ड्रेडिड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस। और गांधी जी इस पूरे इंसिडेंट से उनको एक कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे। कंक्रीट प्रूफ मीन्स एक पक्का सबूत दे रहे थे। क्या? दैट देयर माइट, माइट यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? कि उनकी जो पावर है, हिथरटो मीन्स टिल नाउ, कि आज तक जो उनकी पावर जो इतनी ज़्यादा थी, ड्रेडेड, जो उनको डराती थी, एंड अनक्वेश्चन, कि जिस पर कभी भी इंडियन पीजेंट्स, कभी या कोई भी इंडियन कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता था, वुड बी चैलेंज्ड, कि वो भी चैलेंज की जा सकती है बाई इंडियंस, कि ब्रिटिशर जो अपने आप को बड़े ही पावरफुल और बड़े ही डरावने और सोचते कि हम पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये क्राउड इसका प्रूफ थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, और अब इस जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये जो प्रदर्शन था, इससे गवर्नमेंट परेशान हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट किया कि वो इस केस को थोड़ा, जो इस केस का जो ट्रायल है, इसको पोस्टपोन कर दें। द अथॉरिटीज विज्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। किस लिए इसको पोस्टपोन कर दें? क्योंकि जो अथॉरिटीज थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज, वो अपने सीनियर्स के साथ इस मामले को डिस्कस करना चाहती थी, कंसल्ट करना चाहती थी, इसलिए थोड़ा पोस्टपोन के लिए टाइम मांग रहे थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जो कि खुद एक लॉयर थे, उन्होंने इस डिले को प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट वो बोले कि उनको मीन्स डिले नहीं चाहिए। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो गांधी जी ने उस समय एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे। किस लिए? दैट ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कि गांधी जी ने बोला कि वो एक ऐसे केस में इन्वॉल्व है जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो उनकी ड्यूटीज़ है उसके बीच में एक दुराभास है, मतलब विपरीत स्थिति है। वो क्या है? कि आपस में कन्फ्लिक्ट किस बात का है, देखिए ध्यान से। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि पहली बात, एक तरफ वो एक लॉ ब्रेकर बन के एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते, क्योंकि गांधी जी खुद एडवोकेट है तो उनको कानून की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन गांधी जी यहाँ कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक लॉ ब्रेकर अपने आप को प्रूव कर रहे थे क्योंकि वो कानून का कहना नहीं मान रहे थे। तो वो कह रहे इस तरह से वो एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते। दूसरी क्या बात है? ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि दूसरी तरफ वो एक ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करना चाहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस का क्या अर्थ है? कि वो मानवता और देशभक्ति की सेवा करना चाहते हैं, वो मानवता और देश सेवा करना चाहते। अब देखिए, अगर वो लॉ ब्रेक नहीं करते तो वो मानवता और देश की सेवा नहीं कर सकते, और अगर मानवता और देश की सेवा करते हैं तो उन्हें कानून को तोड़ना पड़ेगा। तो ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी है। फॉर विच ही हैड कम, कि जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। गांधी जी किस लिए यहाँ आए? चंपारण के जो पीजेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए वहाँ आए हैं। तो इसलिए उनके दो कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक तो या तो वो कानून को माने, दूसरी या वो देश की सेवा करें और मानवता की सेवा करें। तो अगर एक को करते हैं तो दूसरे के साथ एक दूसरे को उनको डिसोबे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या सेलेक्ट किया? टू सर्व द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसीलिए उन्होंने जो
यहाँ से अभी मैसेंजर ने उनको मैसेज किया था ना कि चंपारण छोड़ के चले जाए, तो इसलिए उन्होंने इस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, इसकी डिसरिस्पेक्ट की। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, तो इसलिए नहीं कि वो लॉफुल अथॉरिटीज से रिस्पेक्ट चाहिए, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग द वॉइस ऑफ कंसेंस, क्योंकि वो एक हमारी जो सुपीरियर कोई है, जैसे अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को मानने के लिए उन्होंने एक पहले मतलब जो अथॉरिटीज का ऑर्डर था उसकी डिसरिस्पेक्ट की। ही आज द पेनल्टी ड्यू, अब देखिए उन्होंने कानून को डिसोबे किया है तो उनके ऊपर पेनल्टी तो बनती है, फाइन तो बनता है, तो उन्होंने कहा कि जो भी उनकी पेनल्टी है, जो भी फाइन है वो बता दीजिए, दैट ही विल पे। मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर्स रिसेस एंड आस्क गांधी टू फर्निस बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। तो जो मैजिस्ट्रेट था उन्होंने कहा कि वो जो उनको ही वुड प्रनाउंस सेंटेंस कि उनको जो पनिशमेंट है वो अनाउंस करेंगे, कब करेंगे, आफ्टर 2 आवर रिसेस कि 2 घंटे की जो कोर्ट में रिसेस है उसके बाद गांधी जी को पनिशमेंट बताएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल कि तब तक गांधी जी बेल पे फ्री रहेंगे फॉर 120 मिनट्स। गांधी रिफ्यू, तो गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो उन्होंने कहा कि मतलब अब जज के पास कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और उन्होंने उनको विदाउट बेल फ्री कर दिया। एंड द कोर्ट रिकनवीन, रिकनवीन मीन्स रिस्टार्टेड, जब कोर्ट दोबारा से स्टार्ट हुई, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो काफ़ी दिनों तक इस फैसले का कोई भी इस यू कैन से मुकदमे का कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, तो उन्होंने गांधी जी को फ्री रहने के लिए अलाउ कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना अजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब जैसे गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम भेजा था, तो अब उनके बुलाने पे कौन कौन आए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना अजहरुल हक, तो ये लोग अगर कई सारे दूसरे प्रोमिनेंट लॉयर्स के साथ वहाँ पहुँचे बिहार में। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड मीन्स क्या होता है, डिस्कस्ड, कि दे डिस्कस दिस मैटर विद गांधी, वट वुड दे डू इफ ही हैज सेंटेंस टू प्रिजन। अब गांधी जी ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया कि वो लोग क्या करेंगे अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। गांधी आस्ट वाई, द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो जो उनके सीनियर लॉयर्स थे उन्होंने जवाब दिया कि जैसे कि वो उनको एडवाइज और हेल्प करने के लिए आए हैं, और अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो वो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज कि उनको सलाह देने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो वो लोग वापस घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड। अब गांधी जी ने डिमांड की, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, कि जो अब लॉयर्स थे वो आपस में डिस्कशन करने के लिए एक बार फिर वहाँ से विड्रॉ करते, मीन्स वापस जाते हैं और डिस्कशन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने उनका जो डिस्कशन हुआ उसको रिकॉर्ड किया, उसको नोट डाउन किया। एंड उनका जो डिस्कशन हुआ, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, ये सारा इधर दे से स्टार्ट होके डिजर्शन तक, तो लेट्स सी। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्स, उन्होंने आपस में सोचा, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, कि गांधी जी जो कि एक टोटल स्ट्रेंजर है इन लोगों के लिए, अगर वो इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं पीजेंट्स के खातिर, इफ दे, और अगर दूसरी तरफ वे लोग ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं,
बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पेजेंट्स, और जो ये लोग आपस में अपने क्लेम कर रहे, इतना बोलते हैं कि ये इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, शुड गो होम, अगर वो लोग घर चले जाते हैं, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, कि ये बड़ा ही शेमफुल काम होगा, बड़ा ही शर्मिंदगी का काम होगा। डिजर्शन मीन्स चीट करना, कि यानी उनको धोखा देना तो एक तरह से बड़ा ही शर्मिंदगी का काम होगा। यानी कि फाइनली जो ये लॉयर्स थे, उन्होंने सोचा कि एक जब नया बाहर का आदमी आके इन पेजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार है, और ये लोग अगर वापस चले जाते हैं, तो ये बड़ा ही शर्म की बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक, और इसके साथ ही वो लोग वापस गए, कहाँ, टू गांधी, गांधी जी के पास वापस गए, क्योंकि उन्होंने डिस्कशन करने के लिए वहाँ से आए थे। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, और उन्होंने बताया कि वो उनके साथ जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। ही कौन है? गांधी। तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम लोग साथ में हो तो मीन्स मेरे साथ जेल जाने को, तो इट मीन्स जो चंपारण की बैटल है वो जीत गई समझो। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। तो अब उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और उसमें उस ग्रुप को डिवाइड किया, ग्रुप्स में, पेयर्स में, और एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसमें क्या ऑर्डर लिखा, इन विच ईच पेयर वॉर टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें हर पेयर को कोर्ट अरेस्ट देना था। कोर्ट अरेस्ट का क्या मीनिंग है? कि मीन्स वो जाके खुद कोर्ट में अपना अरेस्ट करवाएंगे। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और काफ़ी दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला, यानी कि रिटर्न लेटर मिला। किससे मिला? फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, और जिसमें उनको क्या इन्फॉर्म किया गया था, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। तो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस प्रोविंस का है, जो इस स्टेट का है, उन्होंने इस ऑर्डर को ड्रॉप कर दिया है, वापस ले लिया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, कि जो सिविल डिसोबीडियंस था, जिसको सर्वज्ञ आंदोलन कहते हैं, उसकी एक तरह से ये जीत थी, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब किसी सिविलियन ने कोर्ट को डिसोबे किया था और वो जीता था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इन टू द ग्रीवेंसीज ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी ने और जो लॉयर्स थे वो आगे बढ़े किसके लिए? टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग इंक्वायरी क्या होती? कि वो रिमोट एरियाज में जाके, दूर दराज तक, जो अपने गांव में जाके, वहाँ से इंक्वायरी कलेक्ट करेंगे किस मामले में, इन टू द ग्रीवेंसीज। ग्रीवेंसीज मीन्स तकलीफ, दुखों के बारे में। किसके दुखों के बारे में? ऑफ द फार्मर्स, कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इंक्वायरी करेंगे, दूर दूर जो गांव हैं वहाँ जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन, कि जो इस तरह से जो पीजेंट्स ने डिपॉजिट किया था ब्रिटिशर्स को अपनी शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से बचने के लिए, तो अराउंड 10,000 पीजेंट्स के नाम ऐसे थे जिनके नोट किए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जो दूसरे प्रूफ थे उनके आधार पे भी नोट बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रोब्ड, और जो पूरा का पूरा एरिया था, यहाँ थ्रोब्ड किस सेंस में यूज हुआ है? कि मीन्स इट वॉज यू कैन से बिजी विद एक्टिविटीज। थ्रोब मीन्स होता है कांपना, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ एक्टिविटीज, विद द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो किस टाइप की एक्टिविटीज हो रही थी? कि एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, बिकॉज गांधी जी भी अपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे साथ में लॉयर्स के साथ में। एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट, वेहमेंट मीन्स वायलेंट प्रोटेस्ट बाय द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स भी इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको तो पीजेंट से पैसा चाहिए था, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। तो मीन्स
गांधी जी और लॉयर्स एक साइड में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे उनके बीच में, और लैंडलॉर्ड्स के बीच में काफ़ी प्रोटेस्ट था, काफ़ी एक तरह से गहमा गहमी थी। आगे बढ़ते हैं। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। अब जून के मंथ में गांधी जी को किसने बुलाया? सर एडवर्ड गेट ने। सर एडवर्ड गेट कौन है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। समन मीन्स ही वॉज कॉल्ड बाई एडवर्ड गेट। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जाने से पहले गांधी जी ने फिर से एक पूरा प्लान तैयार किया कि अगर वो नहीं आ पाते हैं, कि अगर उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या प्लान होगा, इस सिविल डिसोबीडियंस को कैसे फॉलो किया जाएगा, आगे कैसे क्या करना है, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार करके गए। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज। प्रोट्रैक्टेड का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स होता है प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड मीन्स की मीन्स लंबे लंबे चौड़े, लंबी लंबी यू कैन से मीटिंग्स हुई, इंटरव्यूज हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था, उनके साथ काफ़ी लंबी इंटरव्यूज हुए। हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। और फाइनली उन्होंने एक क्या गठित किया? एक कमीशन गठित किया, ऑफिशियल कमीशन, इस इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के केस की इंक्वायरी करने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो इस कमीशन के कौन कौन मेंबर्स थे? इट हैड लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी। गांधी जी क्या कौन से उसमें थे? द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। सोल मीन्स क्या होता है? द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। कि आप समझ सकते हो कि मीन्स हजारों लाखों पीजेंट्स का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था, वो थे गांधी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे। देखिए अब आगे क्या होता है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। तो अब गांधी जी देखिए राजकुमार शुक्ला के साथ कुछ दिन देखने के लिए गए थे, और वहाँ पे चंपारण में उन्होंने अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मीन्स कॉन्टिन्यूस, बिना किसी इंटरप्शन के, कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा? 7 मंथ्स। और उसके बाद एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और उसके बाद बहुत सारी, कई सारी छोटी छोटी विजिट्स उन्होंने यहाँ की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो ये जो विजिट थी, जो गांधी जी ने कैजुअली एक पीजेंट, अनलेटर्ड मीन्स अनपढ़, और एंट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट, कि गांधी जी ने जो ये विजिट की थी, ये एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की थी। और किस एक्सपेक्टेशन के साथ? कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो उनके मीन्स कुछ दिन वहाँ पे जाएंगे। और इस विजिट ने उनका ऑलमोस्ट पूरा 1 साल गांधी जी का लाइफ वहाँ पे लगा दिया था। यानी कि जो स्टार्टिंग में गांधी जी गए थे, वो राजकुमार शुक्ला जो कि एक अनपढ़ पीजेंट थे, उनकी रिक्वेस्ट पे गए थे, कि सोचा था कि कुछ दिन वहाँ रह के ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इस मैटर को सॉर्ट आउट करने में सिर्फ लगभग 1 साल लग गया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सो दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। तो जब ये इस कमीशन ने इंक्वायरी की, तो क्या निकला? अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। एक बहुत लंबा चौड़ा माउंटेन जितना ऊंचा एविडेंसेस का प्रूफ था, मीन्स इतने सारे प्रूफ थे प्लांटर्स के अगेंस्ट, मीन्स शेयर क्रॉपर जो फार्मर्स थे उनके लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ पाए गए। एंड व्हेन दे सो दिस दे एग्रीड। और जब उन्होंने ये सारे एविडेंसेस देखे, तो लैंडलॉर्ड्स इस पे एग्री हो गए इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल मीन्स एज पर द
एज पर द यू कैन से रूल, नियम के हिसाब से वो इस पे एग्री हो गए टू मेक रिफंड टू द पेजेंट्स, कि क्या बात के लिए एग्री हुए कि वो पेजेंट्स को जो उनकी अमाउंट है उसका रिफंड कर देंगे, वापिस कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हम कितनी अमाउंट पे करें गांधी जी को। उन्होंने ही गांधी जी से पूछा कि कितनी अमाउंट पे करनी है। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब जो ये पीजेंट्स थे, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या सोच रहे थे कि गांधी जी क्या डिमांड करेंगे, फुल रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। जो मनी उन्होंने इलीगली और धोखे से, डिसीटफुली मीन्स धोखे से, एग्जॉर्टेड मीन्स जो ठगी है उनसे लूटी है, तो उनको लगा कि गांधी जी ना अब पूरी की पूरी अमाउंट की डिमांड करेंगे जो शेयर क्रॉपर से उन्होंने मीन्स इलीगली धोखे से ली है। ही आस्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ क्या कहा कि 50% ही लौटा दो। देयर ही सीम्ड एडामेंट, और उनको ये लग रहा था कि गांधी जी ना 50% के लिए एडामेंट है, यानी इससे बिल्कुल भी कम अमाउंट पे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। राइट्स रेवरेंट जे जेड होज, कि जे जेड होज लिखते हैं कि गांधी जी ऐसा लग रहा था कि 50% अमाउंट पे बिल्कुल एडामेंट है, इससे कम में बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जे जेड होज क्या है, ही इज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, कि जो कि ब्रिटिश कमिश्नरी के एक मेंबर थे और वो वहाँ पे पूरे चंपारण एपिसोड को बड़े ध्यान से, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे रेवरेंड का मीनिंग क्या होता है, मीन्स द ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल। ये तो ये बड़े ध्यान से सारी प्रोसीडिंग, सारी बातें नोट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, थिंकिंग प्रोबेबली ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो उनको लगा कि गांधी जी 50% से कम में बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 25% रिफंड करने का ऑफर दिया। और उसके बाद देखिए, एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन उसको बड़ा ही सरप्राइज हुआ, उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी ने उनके शब्द को एज इट इज ले लिया। टूक हिम एट हिज वर्ड्स मीन्स ही एक्सेप्टेड हिज वर्ड्स, वट एवर ही ऑफर्ड ही एक्सेप्टेड, कि उन्होंने जितने का ऑफर दिया गांधी जी ने उसको ही मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक। डेड लॉक क्या होता है, इट मीन्स रजिस्टेंस, कि जैसे मान लो कोई बात, अगर किसी मुद्दा, कोई किसी आपस में हमारे विचारों की डिफरेंस की वजह से अगर हम बात करना ही बंद कर दे, तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, डेड लॉक। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी तरह का डेड लॉक हो, कोई किसी तरह का रेजिस्टेंस हो, वो चाहते थे कि इस मामले को सुलझाया जाए, किसी भी तरह से इस मामले को मीन्स ख़त्म किया जाए। तो ये सोचते हुए उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया 25% को। यानी कि सोचिए कि स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा था कि गांधी जी फुल का डिमांड करेंगे, गांधी जी ने डिमांड की थी 50% की, और अब जो लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सिर्फ 25% ही ऑफर किया। और सबको सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि गांधी जी ने 25% ही एक्सेप्ट कर लिया। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनैनिमसली। दिस सेटलमेंट मतलब क्या होता है, कौन सा सेटलमेंट, 25% पेमेंट का जो सेटलमेंट था, ये सबने यूनैनिमसली, यूनैनिमसली मीन्स एक मत हो के सारे जने इसके फेवर में एग्री हो गए थे, और इसको अडॉप्ट कर लिया बाय द कमीशन, कि फाइनली कमीशन इस बात पे एग्री हो गया कि लैंडलॉर्ड्स 25% फार्मर्स को रिफंड करेंगे। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो अमाउंट उनको रिफंड करना था ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इससे ज़्यादा क्या था, देन द फैक्ट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये फैक्ट क्या, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड ओब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि लैंडलॉर्ड्स
उस पार्ट ऑफ मनी को देने के लिए एग्रीड हो गए थे विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ साथ अपनी थोड़ी उनकी प्रेस्टीज भी जाएगी, क्योंकि देखिए इससे पहले जो कानून थे वो सिर्फ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए थे, पुअर पीजेंट्स के लिए कोई कानून नहीं थे। तो एक बार एक तो उनको थोड़ी मनी देनी पड़ेगी, दूसरी अब उनकी पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या उनकी जो इज्जत है वो भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक तरह से अब पीजेंट्स को भी बराबर का हक मिलेगा, उनको भी ये लगेगा कि जो रूल्स हैं उनके लिए भी हैं, ये कानून सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं है, दे आर फॉर देम ऑल्सो। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। तो अभी जहाँ तक पीछे की जो घटना हुई है, यहाँ तक जो प्लांटर्स थे वो क्या बिहेव कर रहे थे, एज इफ दे वर द लॉर्ड्स, की जैसे वो वहाँ के भगवान हो, वहाँ के खुदा हो। तो द प्लांटर्स जो कि अपने आप को खुदा, अपने आप को मास्टर्स, भगवान समझ रहे थे अबव द लॉ, कि वो कानून से ऊपर है, कानून उनके लिए नहीं है। तो एक तरह से ये उनके लिए उनकी इज्जत का मीन्स थोड़ी उनकी भी इंसल्ट हुई। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट्स एंड द डिफेंडर्स ही लर्न द करेज। तो अभी पीजेंट्स ने इससे क्या सबक सीखा कि जो कानून है, जो नियम है, वो उनके लिए भी है, उनके लिए भी कुछ राइट्स है, उनके भी कुछ राइट्स है इस दुनिया में। एंड डिफेंडर्स, डिफेंडर्स मीन्स कि उनको भी कोई डिफेंड करने वाले हैं, उनको भी कोई प्रोटेक्ट करने वाले हैं, कि यानी कि हमेशा उनको दबाया या धमकाया या उनके ऊपर ही सारी चीजें नहीं ला दी जाती, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई है। ही लर्न करेज, ही किसके लिए यूज हुआ है, पीजेंट्स के लिए, कि अब पीजेंट्स में एक करेज की, एक साहस की भावना जागृत हुई। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, तो इस तरह से जो इवेंट्स हुए उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई किया कि वो क्या करने आए थे, क्या उन्होंने किया। इस तरह से विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडंड देयर इस्टेट, और इससे कुछ साल बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपने इस्टेट्स को छोड़ दिया। अबंडंड मीन्स छोड़ देना, दे गेव अप, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जो बड़ी बड़ी जो जमीनें थी वो उसमें जो काम करने वाले पीजेंट्स थे उनको दे दी गई, जो जमीन थी वो रिवर्ट कर दी, रिवर्ट मीन्स गिवन बैक टू द पीजेंट्स। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इसी के साथ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो चंपारण में था वो खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। अब गांधी जी के बारे में जो लुइस फिशर राइटर है इस चैप्टर के बता रहे हैं कि गांधी जी नेवर कंटेंडेड, कंटेंडेड मीन सेटिस्फाइड विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, की जो बड़े लेवल की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन से उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। गांधी जी की क्या सोच थी देखते हैं। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमिडिएटली, कि गांधी जी देख रहे थे कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस थी, कहाँ पे, चंपारण के विलेजेज में, और वो चाहते थे कि ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमिडिएटली, वो चाहते थे कि इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हम कल्चरली और सोशली बैकवर्ड रहेंगे तो हम देश के लिए या अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचते हुए गांधी जी क्या करते हैं, ही अपील फॉर टीचर्स, तो उन्होंने टीचर्स से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमें पता है एजुकेशन ही सबसे बेस्ट वेपन है अपलिफ्टमेंट का। तो जब उन्होंने टीचर्स से रिक्वेस्ट की तो कौन कौन आए, महादेव देसाई एंड नरहारी पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंट गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। तो दो टीचर्स जिनके नाम है माधव देसाई एंड नरहारी पारिक, ये दोनों अपनी वाइफ्स के साथ एज ए वॉलेंटियर वर्कर्स गांधी जी के साथ उनके शिष्य बन गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और इसी तरह बहुत से दूसरे टीचर्स भी बॉम्बे से आए, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और पार्ट्स ऑफ द लैंड मीन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और भी कई सारे लोग गांधी जी की हेल्प के लिए आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिज गांधी,
तो देवदास जो गांधी के सबसे छोटे बेटे हैं वो, और गांधी जी की वाइफ मिसिज गांधी, शी ऑल्सो केम फ्रॉम आश्रम। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। तो गांधी जी की इस अपील पर प्राइमरी स्कूल खोले गए कितने विलेजेस में? 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई, कस्तूरबाई इज द नेम ऑफ गांधीज वाइफ, टोड द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो मिसिज गांधी ने लोगों को आश्रम रूल्स बताए और ये सिखाया कि पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन, इनके बारे में लोगों को समझाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। उस समय जो चंपारण में हेल्थ कंडीशंस थी वो बड़े ही पथेटिक थी, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी वहां पर। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी को एक डॉक्टर मिले जो कि अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हो गए। कितने दिन के लिए? 6 मंथ्स के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। तो उस टाइम सिर्फ 3 ही मेडिसिन्स अवेलेबल थी। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो कैस्टर ऑयल, कुनीन जो कि मलेरिया के लिए होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होती है? जो लगाने वाली मरहम या ट्यूब होती है, दैट वन। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर ऑयल। कि जिसकी टंग पे जैसे वाइट जो लेयर जम जाती है हमारी जीभ पे, अगर किसी को ये प्रॉब्लम मिलती तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल। और अगर किसी को मलेरिया फीवर था तो उसको कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल की दवाई दी गई। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी को स्किन पे कोई इरप्शंस थे, फाले फफोले वगैरह, तो उनको एक ऑइंटमेंट थी वो, और साथ में कैस्टर ऑयल दिया गया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ। अब गांधी जी ने नोटिस किया कि वहाँ जो लेडीज थी उनके फिल्दी मतलब वेरी डर्टी, कि जो फीमेल्स के क्लोथ थे वो बड़े ही डर्टी थे। ही आस्क कस्तूर बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि वो इन लेडीज से बात करे कि वाई दे आर सो फिल्दी, सो डर्टी। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपनी हट में लेके गई और उन्होंने कहा, लुक देर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। कि देखिए हमारी इस झोपड़ी में ना तो कोई बॉक्स है और ना ही कोई कबर्ड है जहाँ पे क्लोथ्स रखे। द सारी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। तो आप समझ सकते हो कितनी दयनीय स्थिति थी वहाँ पे अपनी सोसाइटी की। तो वो कहती है कि जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, दैट इज द ओनली साड़ी आई हैव, और इसके अलावा मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। आप इमेजिन करिए कि इंसान पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा है और उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। तो हाउ पथेटिक कंडीशन इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब गांधी जी चंपारण में कितना लंबा स्टे रहा उनका, अराउंड 1 ईयर का, लेकिन इतनी दूर होते हुए भी वो आश्रम की एक्टिविटीज पे पूरी तरह से निगाह रखे हुए थे, नजर रखे हुए थे। इस तरह से ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, कि वो रेगुलरली मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे आश्रम में। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ के जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके अकाउंट्स के बारे में भी पूछताछ करते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो एक बार आप देखिए, जब चंपारण में थे तो चंपारण में रहते हुए उन्होंने आश्रम में लेटर लिखा था कि जो पुरानी लेटरिन ट्रेंचेज है, कि देखिए कि अभी जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं होता है तो वहाँ पे गड्ढे खोद के उसमें जो लेटरिन का और जो वेस्ट वाटर है उसमें कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से गांधी जी ने चंपारण से लेटर लिख के भेजा कि जो ओल्ड ट्रेंचेज हैं वो भर गई होंगी, तो इसलिए नई ट्रेंचेज खोद लेनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्या आएगी, गंदी स्मेल शुरू हो जाएगी, बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। तो ये चंपारण एपिसोड था, ये गांधी जी की यू कैन से लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट थी। टर्निंग पॉइंट मतलब जिसने उनके जीवन को टोटली बदल के रख दिया, चेंज करके रख दिया। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, तो ही कौन है? गांधी जी। गांधी जी कहते हैं व्हाट आई डिड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कि मैंने जो किया एक बड़ी ही सिंपल ऑर्डिनरी बात थी, ऑर्डिनरी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मैंने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे मेरे देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। और गांधी जी ने आगे लुइस फिशर को बताया कि जो चंपारण का जो एक्टिविटी थी वो एज ए डिफाइंस नहीं था, डिफाइंस मीन्स डिसोबे करने का शुरुआत नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि ये जो इसकी शुरुआत थी ना, वो जो लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, डिस्ट्रेस थी, उसको उनसे उबारने के लिए थी। एलिवेट मीन्स उबारना, टू गेट देम फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। तो जो ये चंपारण एक्ट था, ये गरीब किसानों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का एक एक्ट था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। तो इस तरह का ही काम गांधी जी का एक टिपिकल वे ऑफ वर्किंग था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद प्रैक्टिकल, कि जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरवीन्ड थी, मीन्स इंटरकनेक्टेड थी, आपस में मिली जुली थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, कि जो उनकी जो वे ऑफ वर्किंग था वो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो मिलियंस ऑफ लोगों की थी उनको सोल्व करने की बात ही उनकी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी। यानी कि उनकी पॉलिटिक्स और जो पब्लिक की सेवा करना, ये दो चीज़ें अलग नहीं थी, रादर ये आपस में इंटरकनेक्टेड थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, कि जो गांधी जी की जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस से नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शंस का क्या मीनिंग? कि जो काल्पनिक बातें होती है, यानी कि जो एक तरह से किसी को अपने आइडियोलॉजी मान के या कहना, आइडियोलॉजी होना अलग बात है, उसको जिंदगी में प्रैक्टिकली फॉलो करना, ये गांधी जी की एक आप कह सकते हो फिलोसफी थी। तो ही वॉज नॉट ए लॉयलिटी टू एब्स्ट्रैक्शंस, कि जो उनकी लॉयलिटी थी वो कोई इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ नहीं थी। इट वॉज ए लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, कि जो उनकी जो लॉयलिटी थी वो किसके लिए था? लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए था। वो किसके लिए लॉयल थे? वो इंसानों के लिए लॉयल थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो गांधी जी ने जो भी कुछ किया उसमें क्या किया? ही ट्राइड टू मोल्ड, मोल्ड मीन्स गिव शेप, चेंज करना, ए न्यू फ्री इंडियन। क्या बनाना चाहते थे? कि हर कोई जो इंडियन हो वो कैसा हो? फ्री हो। हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, जो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, जो सेल्फ सफिशियंट हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और अगर इंसान जो भारत का नागरिक है वो अपने पाँव पे खड़ा है तो वो इंडिया को फ्री करने में, वही इंडिया को फ्री कर सकता है। तो देश को फ्री करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन है? द इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है? द फॉलोवर ऑफ पीस, जो शांति दूत होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। तो चार्ल्स एंड फ्रियर एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, जो कि गांधी जी के एक बड़े ही अच्छे डिसाइपल बन गए थे, उनके फॉलोवर बन गए थे। ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। तो वो अब फिजी आइलैंड्स पे एज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी जा रहे थे, इसलिए गांधी जी को बाय करने के लिए, मीन्स फेयरवेल मतलब बाय बाय करने के लिए आए थे, क्योंकि वो उन यहाँ से अब इंडिया से फिजी आइलैंड्स जा रहे थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे वो ये चाहते थे कि एंड्रयूज है वो चंपारण में रुके और उनकी हेल्प करे। एक अच्छा विचार होगा कि एक मिस्टर एंड्रयूज गांधी जी के साथ चंपारण में रुके।
एंड्रयूज वॉज विलिंग, और इवन एंड्रयूज ही वॉज ऑल्सो विलिंग इफ गांधी एग्रीड, लेकिन उनकी कंडीशन क्या थी, अगर गांधी जी अग्री करते हैं तो वो भी विलिंग थे। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, वेहमेंटली मीन्स स्ट्रोंगली इसके अपोज थे, टोटली इसके खिलाफ थे। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनईक्वल फाइट, तो वो कहते कि तुम क्या सोचते हो कि जो ये अनईक्वल फाइट है, अनईक्वल फाइट कौन सी है, जो पुअर पीजेंट्स है एक साइड में और दूसरी साइड क्या है, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, इट वुड बी हेल्पफुल कि अगर एक एंड्रूज यहाँ रुकते हैं तो इस अनईक्वल फाइट में वो हेल्पफुल रहेंगे इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, कि अगर कोई इंग्लिश मैन हमारी साइड होता है तो ये हमारे फेवर की बात होगी, क्या तुम ऐसा सोचते हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी हार्ट की, तुम्हारे दिल की कमजोरी है कि हम किसी इंग्लिश मैन का सहारा लेके अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दिस शोज अवर वीकनेस ऑफ हार्ट। द कोज इज जस्ट, कि जो कोज हम लड़ रहे हैं, जिस कारण के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, वो जस्ट है। जस्ट मीन्स ये जस्टिफाइड है, हम सही के लिए लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें अपने ऊपर, रिलाई अपॉन मीन्स भरोसा रखना, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए टू विन द बैटल, कि इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। प्रॉप क्या होता है, सपोर्ट, कि तुम मिस्टर एंड्रयूज में अपना सहारा मत ढूंढो, सपोर्ट मत ढूंढो, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, और एक इंग्लिश मैन है तो ब्रिटिशर्स को मीन्स तुम पे दया आ जाएगी, तुम्हारे लिए थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा मत सोचो, तो उनको एज ए सपोर्ट मत कंसिडर करो। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, ही कौन है, गांधी जी। तो अभी वो आगे राजेंद्र प्रसाद कमेंट, तो राजेंद्र प्रसाद जी कमेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि गांधी जी ने हमारा जो माइंड है, हमारे दिल की बात बड़े अच्छे से पढ़ ली थी, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, और इस एग्जाम्पल से गांधी जी ने हमें कौन सा लेसन पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस का क्या मीनिंग होता है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस का लेसन पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इसी तरह जो सेल्फ रिलायंस है, यानी कि आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस और जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लर्नर्स, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है तो मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सारे आंसर्स बड़े इजीली कर सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, यू कैन राइट टू मी इन योर कमेंट्स एंड आई विल गिव यू द वीडियोस ऑन टाइम, कि जैसे ही आप अपने कमेंट्स में डालेंगे मैं आपको उस चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।